पॉलिटिक्स में नहीं हूँ या मैं पी टी आई में नहीं हूं मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई सिलसिला होता है जैसा शायद खाकान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो पार्टी का नहीं है बट ईज एन पी एम एल एन और भी बहुत से लोग हैं जो कि पार्टी में नहीं रहते भी हैं और उनका अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑन इशू टू इशू सो मेरा भी ऐसा ही है होना चाहिए होना भी चाहिए that's होना the, भी चाहिए देखें इसमें मैं वाजहे कर दू बहुत से लोग मेरे से गिला भी करते हैं कि आप ऐसी बात ना करें साथ में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का कर ख्याल करें अगर पाकिस्तान का कर ख्याल करें तो आपकी जो राय है वो जरूर पब्लिक होनी चाहिए वो हो सकता है कि ये नहीं है कि मेरी राय ही सही राय है बट इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और जिधर पाकिस्तान जहाँ खड़ा है और जहां जाना है और अवाम पच्चीस करोड़ अवाम देख रहे हैं चंद पोलिटिकल पार्टीज ही है ना उनकी तरफ देख रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं और शदीद मसाइल हैं खासतौर पर मीशत को लेके ऐसे मिसाइल हैं जिसको हल करना है अब इसमें अगर आप राय भी ना अपनी दें और पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा भी ना बनाएं कि मैं अगर एक प्राइवेटाइजेशन मिसाल के तौर पर वो आपका एन या कोई भी इशू तो उसमें अगर पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो शुड बी डिबेटेड देन एंड मुझे बहुत होगी कि इन माय व्यूज लेकिन पहले आप तो में थे ना। तर्जुमान आपके रास्ते बड़े बड़े मुश्किल <coughs> वक्त में भी आपके पीछे पार्टी की आदत खड़ी रही है मैं इनफैक्ट जो अल्लाह का शुक्र है मेरा जो राइज था काफी अच्छा था पीएमएलएन ज्वाइन किया नौ महीने के बाद हमारी हुकूमत आ गई मैं कैबिनेट में आ गया अभी जाहिर सी बात है इन फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो इससे ज्यादा तो फास्ट नहीं हो सकता था फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बन गया उसके बाद गवर्नर बन गया फिर जब हम ऑपोजिशन में आए तो उसके उस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे पास कि लोग समझते थे कि मैं टेक्नोक्रेट हूं मैं आया हूँ टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो छोटे चले जाते हैं लेकिन आई थॉट कि ये मेरे ऊपर फर्ज है मेरी फैमिली ऑल्सो थाट कि मुझे अब सबसे आगे बढ़ के अपनी पार्टी को डिफेंड करना है एंड आई आई डिफेंडेड इट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स और ये बतौर एआरवाई मैं ओनरशिप लेती हूँ ये हमने खुद भी विटनेस किया हालांकि हमारी कोई इतनी जी <laughs> इतनी बात के बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत लड़ाईया कि बड़े घेरे हुए सबके साथ और फिर उस मुश्किल वक्त में उस वक्त भी अगर कोई पोजीशन सबसे अहम थी 2020 में जब पीडीएम बनने से पहले या पीडीएम बन चुकी थी सॉरी तो उस वक्त स्पोक्स पर्सन ऑफ मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल है इससे ज़्यादा तो पार्टी इन पाकिस्तान सिटी और उनका जो बयानिया था मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था उसको उसका बोझ संभालना भी आसान था वोट को इज्जत दो और वो मजाती बनिया